नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे चावल के आटे का उत्तप्पा और झटपट बनने वाली रेसिपी। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे ये कितना प्यारा लग रहा है और टेस्टी लग रहा है, तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक बाउल लिया है, यहाँ पर मैंने एक वाटी चावल का आटा ले रही हूँ दोस्तों, जो हमारे घर में नॉर्मल होता है वही लेना है। यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सूजी, 2 चम्मच चने का आटा यानी बेसन का आटा, 4 या 5 हरी मिर्ची, 1 टमाटर, स्वाद अनुसार नमक और प्याज। अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। ये झटपट बनने वाला नाश्ता है दोस्तों, अभी बच्चों को छुट्टी भी गिर गई, तो हमें नाश्ते में क्या देना चाहिए बच्चों को, तो ये हेल्दी वे और टेस्टी वे, तो आपको इस पे घर पे ट्राई करना है और मुझे कमेंट करनी है। अभी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, अभी यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे, इसका स्मूथ बैटर अच्छी तरह से बना लेंगे, यानी कि घोल आप देख रहे हो जैसे हम डोसे का करते हैं, सेम वैसे ही करना है हमें, पर ये झटपट बनने वाली रेसिपी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है दोस्तों। देखो हमें एकदम अच्छी तरह से बैटर हमारा एकदम स्मूथ होना चाहिए। इसमें गुठलियाँ भी नहीं चाहिए दोस्तों, एकदम डोसे के जैसा आप देख रहे हो। देखो हमें ऐसा बैटर चाहिए। अभी इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट रखेंगे, ढक के 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गया दोस्तों, अभी हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसको देखेंगे। देखो हमें ऐसा ही घोल चाहिए उत्तप्पा के लिए। ओके, अभी हम इसको थोड़ा साइड रख देंगे। पैन रखा दोस्तों, यहाँ पे ऑयल डाल दिया मैंने थोड़ा पहले ही, क्योंकि गर्म होना चाहिए हमारा पैन, एकदम गर्म अच्छी तरह से हो गया है। अभी हम इस पे उत्तप्पा का घोल डालेंगे। करेगा हल्के हाथों से, जिससे पतला जाड़ा आपके हिसाब से आप कर सकते हो। और गैस की फ्लेम अभी हम स्लो कर देते हैं, और यहाँ पर हम रेड काश्मीरी चिल्ली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारा उत्तपे को। और हल्का सा धनिया, और यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे थोड़ा हल्का सा ऊपर से। आप यहाँ पे बटर भी डाल सकते हो, ऑप्शनल दे रही हूँ मैं आपको। अभी इसको 2 मिनट ऐसे रखेंगे, हल्का सा ढक्कन लगा लेंगे, इससे हमारा उत्तप्पा एकदम अच्छी तरह से परफेक्ट अंदर से बन जाएगा, पक जाएगा। तो हम ओपन करेंगे, अभी इसको हल्के हाथों से पलटी करेंगे, आप देख रहे हो वाव, और ये झटपट बनने वाला है, कलर देख रहे हो आप, ऐसे में बनना चाहिए हमारा उत्तप्पा। और अभी बच्चों को छुट्टी भी लग रही है स्कूल में और लग गई है, तो यहाँ पे हम फटाफट ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। चावल के आटे का उत्तप्पा बना रहे हैं दोस्तों, इसको ऐसे ही रखेंगे। आवाज आ रही है, इससे हमें मालूम पड़ रहा है हमारा उत्तप्पा एकदम अंदर से पक गया है। देखो ऐसी तरह से, तो अभी हम इसको सर्विसिंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी हम दूसरा एक बता रहे हैं, और एक बार बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, समझ में तो आ ही गया होगा, पर हमें और एक बता रहे हैं हम। इसी तरह से करना है हमें, और गैस की भी अभी स्लो ही रखनी है, हमें फास्ट नहीं रखनी है। आप चमचे से भी कर सकते हो, तो मैं हाथों से करी तो मुझे आदत है हाथों से करने से, इससे क्या होता है बैटर हमारा सब जगह अच्छी तरह से लग जाता है। इसी तरह अभी हम इसको स्प्रिंकल करेंगे, वो थोड़ा मोटा ही रखना है, एक मोटा रखने से क्या होता है दोस्तों टेस्ट होती है,
पतला भी होता है पर हमें पतला ज़्यादा पसंद है, इसलिए थोड़ा मोटा ही करने वाली हूँ। ऊपर से ऑयल डाल देंगे, इससे हमारा उत्तपम का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी इसको दो मिनट के लिए ढक देते हैं। दो मिनट हो गया है, अभी हम इसको पलटी करेंगे। ऐसे अभी इसको भी दो मिनट ऐसे रखेंगे, इसमें अभी ढक्कन नहीं लगाना है, ऐसे ही रखना है दो मिनट के लिए। हो गया दोस्तों, अभी इसको भी पलटी करेंगे। देखो हमें ऐसे होना चाहिए, आप देख रहे हो कलर कितना अच्छा आ गया कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर का। अभी हम इसको बाउल में निकाल प्लेट में निकाल लेते हैं सर्विसिंग के लिए। देखा ना दोस्तों कैसे बन गया चावल के आटे का उत्तपम, वो भी झटपट। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद दोस्तों।